वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी गाइस, सभी का स्वागत है। फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे और जो लाइव आ चुके हैं अपने दोस्तों को भी लाइव बुला लें। और आज के सेशन में हम लोग पेपर वन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक मिनी मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ आज के सेशन में। तो फटाफट से गाइज एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इज ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर? ओके सो गाइज, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ पूजा वर्मा और आप लोगों के लिए मैं क्लास लेके आती हूँ। पेपर वन पेपर टू दोनों में हमारी क्लासेस होती है। पेपर वन की जो क्लास होती है हमारी वीक में होती है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इसके अलावा संडे स्पेशल मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आती हूँ। और ये जो क्लासेस का टाइमिंग है ये आपके 8 AM मॉर्निंग में टाइम होता है। इसके अलावा पेपर टू की जो क्लासेस है कॉमर्स की आप लोगों के लिए डेली यहाँ पे होती है। ठीक है, कॉमर्स की क्लासेस भी मैं आप लोगों के लिए डेली लेके आती हूँ। इसके अलावा मेरी आप लोगों को अकेडमी की जो लर्निंग ऐप है वहाँ पर भी क्लासेस मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं देन उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर, जिसका प्रोफाइल लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कॉमेंट सेक्शन में आपको मेरी जो है पेपर वन की एंड पेपर टू दोनों की क्लासेस का पिन मिल जाएगा, वहाँ से नोटिफाई में ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो क्लासेस होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और आज की जो फ्री क्लास है वहाँ पे मैं आपको डिजिटल इनिशिएटिव के, डिजिटल इनिशिएटिव्स जितने भी हमारे हायर एजुकेशन में उनके MCQs जो है करवाने वाली हूँ। और ध्यान रखिएगा, अगर आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे न्यू है देन इस फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड लगा दीजिएगा पूजा 10 PUJ10। ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आप फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसके अलावा पेपर वन एंड पेपर टू अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, यूनिट वाइज पढ़ना है, PDF नोट्स अगर आपको चाहिए देन उसके लिए आप मेरे साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अकेडमी प्लस पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाती हूँ। और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता है स्ट्रक्चर्ड वे में। देखिए मेन बात यह है कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में जो है पूरा कोर्स अवेलेबल होता है। आपको इधर उधर मटेरियल सर्च नहीं करना है। अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, आइकॉनिक में तो आपको जो है स्टडी मटीरियल भी अवेलेबल करवाया जाता है। तो ये बेनिफिट, कुछ एक एडिशनल बेनिफिट आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दिए जाते हैं जहाँ पर आप स्टडी मटीरियल भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना चाहते हैं देन उसके लिए आप जो है प्लस बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं PUJ10। ये मेरा रेफरल कोड है अनअकैडमी का। कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा ये कोड अप्लाई करने से। और ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया गया NTUGC NET कि जितनी भी एग्जाम्स उनको क्लियर करने के लिए काफ़ी सारे देखिए बैच जो है आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ बैचेस आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है लेके आए जाते हैं। हर वेडनेसडे जो है नए नए बैचेस आपके लिए यहाँ पे जो है स्टार्ट किए जाते हैं। अराउंड 21 सब्जेक्ट में आपको जो है नेट कैटेगरी में अराउंड 21 सब्जेक्ट्स के आसपास जो है आपको प्रिपेयर करवाया जाता है। जो भी जिनका भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है वो फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्लस और आइकॉनिक दो प्लान्स देखिए आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप प्लस लेना चाहते हैं तो प्लस पे जा सकते हैं, आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक पे आप जा सकते हैं। सबसे वैल्यूबल पैक आपके लिए 12 और 24 महीना है। देखिए ये कोर्सेज अगर आप UG में है, PG में है, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की कर रहे हो, JRF कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और इसके अलावा जो है आप UG या PG में भी है तो भी आप लोगों को ये कोर्स है ये आपको काम आने वाला है। देखिए यहाँ पे जो गिफ्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा है इसी के पास आपको कोड अप्लाई करना है पूजा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ठीक है, अगर आप आइकॉनिक पे जाना चाहते हैं देन आइकॉनिक पर भी आप जा सकते हैं। नो कॉस्ट EMI के साथ आपको डेबिट एंड क्रेडिट दोनों कार्ड से EMI ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा बेनिफिट्स आपके सामने हैं प्लस और आइकॉनिक में क्या एडिशनल बेनिफिट जो है आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पर्सनल कोच एडिशनली अवेलेबल हो जाता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। इसके अलावा पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग आपके अकॉर्डिंग डाउट क्लियरिंग जो डाउट सॉल्विंग सेशन से वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। प्रिपरेटरी स्टडी मटीरियल भी जो है आप लोगों को अवेलेबल होता है ओनली इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। चले गाइस तो स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए गाइस सो स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी सारे बैच कोर्सेज हैं, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सेल बैचेज है, बैच कोर्सेज हैं, इनका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। प्राइस हाइक होने वाला है जल्दी, बहुत ही जल्दी गाइस प्राइस हाइक हो जाएगा। तो अगर आप आपका इंटेंशन है लेने का, इफ़ योर बजट, यू हैव द बजट देन गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन एज सून एज पॉसिबल बाय अप्लाइंग द कोड PUJ10 पूजा 10। चलिए गाइस सो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड इसे आपने आंसर करना है। Thank you.
ओके भाई, एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग हो चुका है एंड क्या बात हो गई। सोशल वर्क नहीं है मैम, सोशल वर्क पे भी आई थिंक सो क्लासेस अभी न्यू आप लोगों के लिए जो है बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पे लेके आई जा रही है, इससे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी मेजर अगर आप सब्जेक्ट्स देखेंगे तो वहाँ पे जो है आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस दोनों में अवेलेबल है, 21 सब्जेक्ट्स के अराउंड जो है आपको प्लस अवेलेबल है। चलिए आंसर करेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए गए हैं फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट की, ठीक है। फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट के कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के या फॉर्मेटिव जो प्रोसीजर है उसके क्या। ओके गाइस, सो आप आंसर करेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नाउ क्लियर। ओके क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, डोंट वरी। चलिए आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है एंड आंसर करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, ओके डी आंसर आ रहा है हमारे पास, काफी सारे आंसर आ रहे हैं। चलिए अब करेक्ट आंसर जो है आपको करना है। ओके ओके ओके, नाउ क्लियर अश्विनी या चंद्रिमा, विशाल बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए पेपर 1 में के सेट और नेट सेम है, बिल्कुल प्रवीण जी, आपका जो चाहे आप किसी भी स्टेट का जो है सेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर नेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है, दोनों जगह सिलेबस आपका सेम आता है। चलिए आंसर आ रहे हैं मेरे पास, काफी सारे आपको बताना है। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, फॉर्मेटिव और सबमिटिव, ठीक है, इनमें से आपके फॉर्मेटिव के कौन से पॉइंट है ये बताना है। देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी चलता है, जबकि जो सबमिटिव इवैल्यूएशन होता है ये एंड में किया जाता है, ये किस में किया जाता है, एंड, एट द एंड ऑफ द स्टडी किया जाता है। और ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव कैसे चलता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी चलता है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है स्टूडेंट को कि लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है या क्या हो रहा है। और जबकि सबमिटिव इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, सर्टिफाइंग की जाती है, सर्टिफाइंग किया जाता है कि यू आर कैपेबल और नॉट, ठीक है, मतलब आपको डिग्री दे दी जाती है, सर्टिफाइंग कर दिया जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेटिव एंड द सबमिटिव इवैल्यूएशन। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। ओके भाई, भाई गुड मॉर्निंग तो हो चुका है, एक बार मुझे आंसर कर दें फटाफट से, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें गाइस, ठीक है, और आंसर भी कर दें। ओके डी आंसर आ रहा है, चलिए देखते हैं। इट इज यूज फॉर जजिंग लर्निंग स्टैंडर्ड्स, ये यूज की जाती है जजिंग द लर्निंग स्टैंडर्ड। इट इज यूज फॉर इंप्रूवमेंट द कैपेसिटी एंड द क्वालिटी, इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। इट इज यूज टू एक्सटेंड टू परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ टीचर स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के टीचर्स की परफॉर्मेंस को अप्रेजल के लिए किया जाता है। और इट इज यूज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द 100% सही है, 100% सही है ना, ड्यूरिंग द किया जाता है आपके, ठीक है। इसके अलावा असेसमेंट इज फॉर्मल एंड पोस्ट इंस्ट्रक्शनल इन नेचर, क्या ये पोस्ट इंस्ट्रक्शनल इन नेचर होता है या फिर इट इज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे काफी सारे बच्चों के कुछ अलग ही डिप्लोमेटिक आंसर आ रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द पॉइंट नंबर 3, 4 and 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सॉरी 3 नहीं होगा, 2 होगा। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, मुझे नहीं पता, काफी बच्चों का जो है डी आंसर आ रहा है। ओके सो यह द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं।
मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया था आपको कि यहाँ पे 6 पॉइंट आपको दिए गए हैं, देयर इज 6 पॉइंट जो कि आपको दिए गए हैं, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो है आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। समेटिव ऑफ फॉर्मेटिव दोनों के पॉइंट मिक्स में है और आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बताने हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को मैंने आपको बताया, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी चलते हैं। कैसे चलते हैं? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी चलते हैं। यहाँ पे आपसे फिर पूछा गया था कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है या जो हमारा ये होता है, ये मतलब इसमें क्या क्या, तो भाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी चलता है। यहाँ पे लर्नर्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने की बात की जाती है, और ये अरे भाई क्या बात है, 5 भी नहीं होगा। और यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों का क्या होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, टीचर और स्टूडेंट का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन चलता है, और बोथ जो हमारे टीचर और स्टूडेंट होते हैं दोनों का यहाँ पे क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट इंस्ट्रक्शनल नेचर, लॉ स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम प्लीज एक्सप्लेन पोस्ट इंस्ट्रक्शनल जो है इन नेचर। ठीक है, पोस्ट इंस्ट्रक्शनल, मैंने पूरा पढ़ा दिया, पोस्ट इंस्ट्रक्शनल का मतलब होता है मैंने आपको पूरा लेसन या मान लीजिए पूरी यूनिट करवा दी, और उसके बाद अगर मैं कोई टेस्ट लेती हूँ दैट विल बी नोन एज पोस्ट इंस्ट्रक्शनल इन नेचर। जबकि जो ये होता है ये समेटिव होता है, ये जो इंस्ट्रक्शनल की यहाँ पे बात की जा रही है दिस इज द समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, ये समेटिव टाइप का होता है। बट अगर मैं मान लीजिए मैं आपको लेसन पढ़ा रही हूँ और लेसन पढ़ाने के साथ साथ ही अगर आपसे मैं क्वेश्चनिंग कर रही हूँ दैट विल बी नोन एज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, उससे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। मुझे एक बार सभी थम्स अप कर दे कि आपको सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंड द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द मोडेलिटीज ऑफ टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट देयर इज मोर स्कोप फॉर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंज। ठीक है, इनमें से किस में क्रिटिकल और क्रिएटिव इंटरचेंज चेंज का सबसे ज़्यादा स्कोप है, ये आपने बताना है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोप है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे आंसर करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ओके वेरी गुड। और यहाँ पे डी आंसर आ रहे हैं मेरे पास, डी 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 डी, वेरी गुड। देखिए क्रिएटिव और क्रिटिकल इंटरचेंज कब होता है, जब हम किसी से संवाद करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, डायलॉजिक जब प्रेजेंटेशन होता है इन्वॉल्विंग द टीचर स्टूडेंट एंड द कंटेंट, अगर तीनों चीज़ें एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है तो हमारे क्या होता है यहाँ पे क्रिटिकल और क्रिएटिव इंटरचेंज होता है। किसका सबसे ज़्यादा, मतलब लर्निंग जो है लर्निंग का स्कोप जो है सबसे ज़्यादा इसी में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी डी दिया है उनका बिल्कुल हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, जबकि ए बी सी ऑप्शन में हमें क्या दिया है, ट्रेनिंग सेशंस में। देखिए ट्रेनिंग सेशन में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग में क्या होता है सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, एंड आपको ही बताया अगर इंस्ट्रक्शंस अगर दिए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली तो उसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग जो है निकल के नहीं आती है। नेक्स्ट है आपकी कंडीशनिंग टू प्रमोट सेंसिटिविटी। ठीक है, कंडीशनिंग टू प्रमोट सेंसिटिविटी बोला गया है, तो यहाँ पे सेंसिटिविटी को प्रमोट करने का कोई लॉजिक नहीं है। इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे भी क्या होता है इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन हो रही है, और प्रेजेंटेशन में भी कोई भी क्रिएटिविटी निकल के नहीं आती है।
ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग अफेक्टिंग टीचिंग. इनमें से कौन जो है टीचिंग को या शिक्षण को प्रभावित करता है. फ्रॉम योर आंसर सेलेक्ट द कोड गिवन बिलो. ठीक है, यहाँ पे कुछ एप्रोप्रिएट है, कुछ बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट है और कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट है. तो उनमें से आपको छह ऑप्शन दिए गए, तीन आपको जो है चूज करने. एलिमिनेशन मेथड लगा दो, एलिमिनेशन से बात मन जाएगी गाइस. तो चलिए आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने है. ओके, कमल शर्मा जी, दीज आर एमसीक्यूज. ये जो है एमसीक्यूज है, नॉट प्रीवियस ए क्वेश्चन. प्रीवियस ए क्वेश्चंस नहीं है. बी आंसर आ रहे हैं मेरे पास. चलिए देखते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचिंग एड्स एंड देयर यूज. ओके, अफेक्टिंग टीचिंग के लिए क्या क्या जरूरी है. स्कूल कम्युनिटी लिंकेज, स्कूल के कम्युनिटी के साथ क्या लिंकेज है. ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स इन द स्कूल प्रोग्राम. पेरेंट्स का क्या इंटरेस्ट है स्कूल प्रोग्राम में, ये तो डेफिनेटली नहीं होने वाला. सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द को करिकुलर एक्टिविटीज. किस फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ऑर्गेनाइज की जाती है को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ वर्बल एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द टीचर. बिल्कुल सही है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो इस तरीके से देखिए, दो तो हम लोगों ने जो है, और दो तो हम लोगों ने 100% चूज कर लिए, दैट इज पॉइंट नंबर फोर एंड द पॉइंट नंबर सिक्स. पॉइंट नंबर फोर एंड पॉइंट नंबर सिक्स, इसके साथ हमें क्या नजर आ रहा है, पॉइंट नंबर वन. मतलब ऑटोमेटिकली हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर गाइस. इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं. बाकी अगर आप ऑप्शंस को वैसे भी रीड आउट करते तो कुछ ना कुछ समझ तो आ ही रहा था हमें कि क्या आंसर होना चाहिए. बट मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को आप यूज करके आंसर को निकाल सकते हैं. क्लियर है गाइस? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. इस तरीके से आप 100% को आइडेंटिफाई करके और एलिमिनेशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. इनमें से कौन से जो है स्टेटमेंट नेचर शिक्षण और मतलब शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्यों को जो है इंडिकेट कर रहे हैं और डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको बताना है. और अगेन हमारे सामने सिक्स पॉइंट्स है एंड यू फाइंड आउट द थ्री करेक्ट पॉइंट्स. तीन करेक्ट पॉइंट हमें यहाँ पे निकालने हैं. चलिए आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है. ओके, वेरी गुड. सी आंसर आ रहे हैं हमारे पास. ए आ रहा है, सी आ रहा है, दो आंसर आ गए हैं. ए एंड सी दो आंसर नजर आ रहे हैं हमारे हमें यहाँ पे. ओके, वेरी गुड. देखिए यहाँ पे बोला गया नेचर और ऑब्जेक्टिव जो है टीचिंग के मेन क्या है, बेस्ट क्या है. तो टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड. दोनों एक दूसरे से क्या होता है, अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं. ठीक है, इंटीग्रली रिलेटेड है ये आपकी. और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड ट्रेनिंग. टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है. इज इट ट्रू और नॉट? ठीक है, कंसर्न ऑफ ऑल द टीचर इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स. बिल्कुल सही है, दिस इज 100% ट्रू. एंड पॉइंट नंबर वन इज द 100% ट्रू. ठीक है, ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर. क्या सारी अच्छी टीचिंग जो है
फॉर्मल नेचर की होती है? बिल्कुल भी नहीं। टीचिंग फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल तीनों प्रकार की हमारी हो सकती है। टीचिंग टीचर इज ए सीनियर पर्सन, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब टीचर क्या जरूरी एक सीनियर पर्सन ही हो सकता है? टीचर कोई भी हो सकता है, टीचर टीचर होता है। टीचिंग इज ए सोशल एक्ट, वेयर एज लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। बिल्कुल सही है, शत प्रतिशत सही है। और इस स्टेटमेंट में कई बार असर्शन और रीजन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं ऑन द सेम स्टेटमेंट, ठीक है? असर्शन और रीजन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सो दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड ज्योति सिंह, महेश, विकास, ओके ओके अंजू जी, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज द राइट आंसर, चलिए ऑप्शन में सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज गुड रिसर्च फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक अच्छा जो शोध होता है निम्नलिखित में से किस में ज्ञान किस पर केंद्रित है, ये आपको बताना है। और ध्यान रखिएगा गाइस, आज आप लोगों की अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे क्लास है और इस क्लास का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, नोटिफाई भी जरूर कर लेना। बिल्कुल फ्री क्लास है, ठीक है? बिल्कुल फ्री क्लास है। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको डिजिटल इनिशिएटिव के एमसीक्यूज जो है, जितने भी मेजर एमसीक्यूज है वो मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, नोटिफाई में जरूर कर लेना। और ध्यान रखिएगा किसी भी अनअकैडमी की फ्री क्लास को अनलॉक करना है, और अगर आप न्यू लर्नर है देन कोड आप लगा दीजिए इन्वाइट कोड PUJ10, ठीक है? ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो अनअकैडमी की किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मेरे पास, डी आ रहा है, ए सी डी तीन आंसर मुझे नजर आ चुके हैं और बहुत ही कट टू कट कॉम्पिटिशन चल रहा है ए और डी के अंदर। ए और डी तो मतलब धड़ल्ले से आ रहा है, क्या बोलूं अब आपको। ओके सरबजीत सिंह जी डी बोल रहे हैं, ज्योति डी, कमल शर्मा ए, ओके चले तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, बहुत कम स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर किया है, एंड करेक्ट आंसर जिन्होंने किया है वो किया है प्रियांक, वेरी गुड प्रियांक, हाँ वो ऑल ऑफ द अबव लिखा है ज्योति सिंह जी, ऑल ऑफ द अबव लिखा है, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड रिंकिता, शफीका, राजिया एंड काफी बच्चों ने सही आंसर भी किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर गाइज, लॉ स्टूडेंट रीमा, रीमा वेरी गुड, कमल शर्मा वेरी गुड गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक जो अच्छा रिसर्च होता है ना, अगर एक अच्छे रिसर्च या अनुसंधान की हम बात करें ना, तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो फॉर्मुलेट करना चाहिए, मतलब वो फॉर्मुलेट करना चाहिए थ्योरीज को, और जनरलाइज करना चाहिए, प्रिंसिपल्स वगैरह जनरलाइज होने चाहिए और थ्योरीज जो है वो बिल्डअप होनी चाहिए, ठीक है? तो पूरा असर जो एक रिसर्च है ना वो इसी पर आपका क्या रखता है, फोकस रखता है। मैम डी कंफ्यूज है, अरे भाई ऑल ऑफ द अबव है, दिस इज ऑल ऑफ द अबव, ये जो है ना ये ऑल ऑफ द अबव है, अभी क्लियर है डी? आप कंफ्यूज नहीं कराना किसी को भी, मतलब पीजी के बच्चों की जैसे आप बिहेव करते हो, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, पीजी मतलब प्ले ग्रुप के बच्चों की जैसे आप बिहेव करते हो। पोस्ट ग्रेजुएट तो भाई कहाँ पोस्ट ग्रेजुएट, और कहाँ हम, समझ रहे हैं ना, कहाँ पोस्ट ग्रेजुएट, कहाँ हम पीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट आपको वो बताना है। दो स्टेटमेंट है एंड द स्टेटमेंट इज हाइपोथेसिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध में परिकल्पना की आवश्यकता नहीं है, मैनिपुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान में हेर फेर की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए कौन से स्टेटमेंट गलत है। अच्छा लग रहा था मैम ए होना चाहिए बट डी दिख जाता है तो एग्रीड आ जाती है। अरे भाई लालच बुरी बला, हाँ हैशटैग प्ले ग्रुप ही अब ट्रेंड करेगा, जितनी भी UGC नेट की क्लासेस होती है ना उसमें हैशटैग प्ले ग्रुप ट्रेंड करेगा कि हम लोग बता दिया करो हम पीजी के बच्चे हैं बट पीजी के फुल फॉर्म हमारे लिए अलग है, वो है प्ले ग्रुप, ठीक है?
अब इसमें भी कंफ्यूजन, बी और डी दो आंसर आ रहे हैं, बी आ रहा है, डी आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है। चले वैसे मेजरली बच्चों का मुझे करेक्ट आंसर मिल रहा है, मेजरली बच्चों का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड कृष्णा, प्रियांक, महेश जी, वेरी गुड शफीका, रिंकिता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इज द करेक्ट आंसर, इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। दैट इज ओनली द स्टेटमेंट नंबर टू इज इनकरेक्ट। देखिए हाइपोथेसिस इकलौता ऐसा रिसर्च है जहां पे आपको, सॉरी, हिस्टोरिकल रिसर्च इकलौता ऐसा रिसर्च है जहाँ पे परिकल्पना या फिर हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो हिस्ट्री में हो चुका है, जो भी हो चुका है आपके साथ, वो हो चुका है, अब आप उसे नहीं बदल सकते, इसीलिए हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता। हाइपोथेसिस क्यों बनाया जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन का ये रिजल्ट आ सकता है, जबकि हिस्टोरिकल रिसर्च में तो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, वो हमारे सामने है। देखिए बात ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिकल जो रिसर्च होता है ना, इसमें पता है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रिटिसाइज इसे किया जाता है। बस हिस्टोरिकल रिसर्च को क्रिटिसाइज कर सकते हैं हम लोग, उसके रिजल्ट को या सॉल्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। वर्ल्ड वॉर होना था हो चुका, जिसको जीतना था जीत चुके, जिसको हारना था हार हार चुका, ठीक है, मतलब जो होना था वो हो चुका, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि हारने वाला कैसे हारा, जीतने वाले के पास क्या प्लस पॉइंट थे कि वो जीत गया, बस हम ये बता सकते हैं और हम कुछ भी नहीं बता सकते। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भाई मैनिपुलेशन के बिना तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो ही नहीं सकता, इसीलिए आपका स्टेटमेंट नंबर जो बी है सिर्फ यही क्या होगा आपका, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज यूज टू चेक सॉल्यूशन फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थियरीज। ये आपने बताना है, मतलब ऐसा कौन सा रिसर्च जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थियरीज को बेस बना के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो निकालता है, अप्लाइड एक्शन, एक्सपोज फैक्टो या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च। नहीं कर सकते युवराज सोनी जी, ये मेरे पास पता है बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैम क्या रिक्रिएट कर सकते हैं पास्ट को, मुझे एक बार बताइए, क्या आप वापस से वर्ल्ड वॉर वन कर सकते हो क्या, मुझे एक बार बताओ। जनरल सा क्वेश्चन है, लिटिल बिट जनरल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा मुझे आइडिया करेंगे कि तो आंसर आप खुद ही दे देंगे मुझे लग रहा है। मुझे बताइए क्या रिक्रिएट किया जा सकता है या रिक्रिएशन ऑफ पास्ट हो सकता है क्या इन हिस्टोरिकल रिसर्च। वर्ल्ड वॉर हो चुकी, होनी थी हो गई, जो होना था हो चुका, क्या हम कर सकते हैं? अरे बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं पास्ट के बेसिस पे, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या हम ये बता सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन वापस से हो जाती है तो हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, ये चीज पता लगाया जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। उसका रिक्रिएशन नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही जो सॉल्यूशन या जो सिचुएशन निकल के आई थी जो आउटकम से, उन्हें भी नहीं बदला जा सकता। हमें ये तो कह नहीं सकती वापस से वर्ल्ड वॉर वन करके और जो देश हार गए थे उन्हें जिता दूं, बोले लो लो मैंने जिता दिया आपको खुश हो जाओ, ऐसा नहीं कर सकते हम। ओके सो यहाँ पे आंसर आ रहे मेरे पास सी। ओहो क्या बात है, वेरी गुड, सभी होना विद्यार्थी है पता नहीं मेरी क्लास के अंदर। एक्सपोज फैक्टो, अरे भाई क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट मुझे लग रहा है मेरे सामने है। अरे भाई एक्शन रिसर्च इज द करेक्ट आंसर, गाइस ध्यान रखिएगा, सॉरी, यहाँ पे आपका अप्लाइड रिसर्च जो है वो करेक्ट आंसर है, अप्लाइड रिसर्च इज द करेक्ट आंसर। ये एक्सपोज फैक्टो कैसे हो सकता है, जो भी एक्सपोज फैक्टो आंसर कर रहे हैं मुझे बताइए, एक्सपोज फैक्टो में रियल लाइफ प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है क्या? एक्सपोज फैक्टो जैसा कि बोला गया है कि पोस्ट, अरे भाई फिनोमिना हो चुका है,
आपकी जो घटना जो घटित होनी थी हो चुकी है। मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप उस ऑन द स्पॉट जाके उसको स्टडी करते हैं, दैट विल बी नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, उसे एक्स पोस्ट फैक्टो बोला जाता है। जबकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आपको पता है ना, अप्लाइड रिसर्च का यूज किया जाता है, और अप्लाइड रिसर्च में आधार रिसर्च का कार्य कौन करता है मुझे बताओ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अप्लाइड रिसर्च के आधार में कौन सा रिसर्च होता है, या फिर किस रिसर्च के बेसिस पे अप्लाइड रिसर्च जो है किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, मुझे फटाफट आंसर करें भाई, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आप कैसे आंसर कर रहे हैं, मतलब कुछ भी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, मैं तो शॉक्ड हूँ, लिटरली आई एम रियली शॉक्ड गाइस। यस अप्लाइड रिसर्च, अंकू कुमारी जी फिर भाई गलत आंसर कैसे आ रहे हैं, गलत आंसर कौन आंसर फिर गलत कर रहा है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। मुझे बताइए अप्लाइड रिसर्च के आधार का कौन सा रिसर्च कार्य करता है। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा रहे भाई, ऐसी गलतियां ना करें। अभी अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जाम में तो बहुत हाई प्रेशर रहता है, समझिए एग्जाम में जो प्रेशर होता है वो और भी हाई होता है। अगर आप अभी कामली क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और कामली क्वेश्चन को जो है अंडरस्टैंड करेंगे, तब अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी अंडरस्टैंड करने का टाइम है, और फिर परफॉर्मेंस जो है एग्जैक्टली बाद में आएगा, ठीक है। ओके, थियोरी का बेसिक है, ओह भाई क्या बात है, सॉरी बेसिक रिसर्च, ओके वेरी गुड अश्विनी, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक रिसर्च, वेरी गुड रीमा, वेरी गुड रीमा एंड अंकु कुमारी, बिल्कुल सही है चंद्रिमा, वेरी गुड चंद्रिमा ने भी करेक्ट आंसर किया है। देखिए अप्लाइड रिसर्च में जो आधारभूत रिसर्च है उसका कार्य करता है आपका बेसिक रिसर्च, और बेसिक रिसर्च बोल दीजिए या फिर इसे थ्योरेटिकल रिसर्च बोल दीजिए, बेसिक बोल दिए थ्योरेटिकल बोल दिए, या फिर इसे आप जो है प्योर रिसर्च भी कह सकते हैं, तीनों एक ही चीज है, ठीक है तीनों एक ही चीज है, बेसिक रिसर्च, वेरी गुड गाइस। ओके सो ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखिए, इस टाइप की छोटी छोटी मिस्टेक मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, और मैच करना है आपको सेट वन को सेट टू से, और सेट वन में आपको क्या दिया गया है, रिसर्च के टाइप्स दिए गए हैं, कुछ एक टाइप्स दिए गए हैं आपको रिसर्च के, और इन्हीं मतलब इन जो टाइप्स दिए गए हैं उनको उनके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जो है मैच करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्लीज गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा सपोर्ट के लिए। एक्शन रिसर्च जो है ना गाइज, देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मैम अप्लाइड होगा या एक्शन होगा। ध्यान रखो अप्लाइड रिसर्च जो है ना प्रॉब्लम स्पेसिफिक के लिए किया जाता है, बट अगर इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए, मतलब ध्यान रखिएगा अप्लाई जो एक्शन रिसर्च है ये सुपर फास्ट वर्जन है अप्लाइड रिसर्च का। एक्शन रिसर्च इज अ सुपर फास्ट वर्जन ऑफ अप्लाइड रिसर्च, आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन चाहिए अपनी प्रॉब्लम का, उसके लिए एक्शन रिसर्च होता है। और अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो वो चीज़ होती है आपकी अप्लाइड रिसर्च के अंदर, वो रिसर्च आपका अप्लाइड रिसर्च के अंदर चलता है। ओके इसका ए आंसर आ रहा है। हमारे सामने टाइप्स पूछे हैं, देखिए टाइप्स में क्या दिया गया है हमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, ठीक है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च कौन सा होता है, एंड ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच बेस्ड रिसर्च में क्या होता है, ये आपने बतानी है। ओ जूही मैम आपकी क्लास 9 पे थी पर 8 पे, अब देखिए यहाँ पे जो है आपको भी पता है कि इतनी सारी क्लासेस जो है वो चलती है, इसीलिए शेड्यूल जो है वो 1 घंटा पहले हो गई थी, ठीक है इसका मैं अब वो कुछ भी नहीं कर सकती, जैसा स्लॉट अवेलेबल हुआ उसी स्लॉट पे फिर मैं आपके लिए क्लास लेके आई थी, ठीक है। ओके सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे आंसर करेंगे। ओके
ओके, ए में फाइव ऑप्शन देख, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पे देखिए मेजरली बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है। मैम टाइम टेबल क्या है क्लास का? देखिए चेरी चेरी आपको मैं बता दूं, मेरी क्लास जो होती है ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे और संडे स्पेशल क्लासेस होती है मॉर्निंग 8 AM पेपर वन की, ठीक है। ये पेपर वन की क्लासेस होती है। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे फ्री लाइव क्लास होती है जो कि डेली होती है, ठीक है। वो डेली होती है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और ध्यान रखिए अगर आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे न्यू है देन आप क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए पूजा 10 कोड जो है इनवाइट कोड लगा सकते हैं। कोई भी फ्री क्लास अनलॉक करनी हो, प्रॉब्लम आ रही हो कोई भी क्लास खोलने में, तो पूजा 10 कोड लगा के आप खोल सकते हैं। ओके चलिए तो यहाँ पे भाई आंसर आ गया सभी का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सा रिसर्च होता है जहाँ पे मैनिपुलेशन होता है आपका, ठीक है। मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन कहाँ पे हो रहा है हमारा? कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट होता है, एक्सट्रोनियस वेरिएबल होते हैं, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा जाता है और मैनिपुलेशन होता है। ये सारी चीजें किस में होती है? एक्सपेरिमेंटल में। तो पॉइंट नंबर 5 से ये मिल जाएगा। एक्सपोज फैक्टो भाई कोई फिनोमिना हैपन हो गया है और उसके बाद जो है उसके कारणों का पता लगाया जाता है कि भाई एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्या कारण रहे, क्या कारण रहे। रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस, ध्यान रखिएगा एक्सपोज फैक्टो इज ऑल्सो नोन एज द रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च, जहाँ पे क्या किया जाता है पीछे जाया जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पीछे जा रहे हैं हम लोग, मतलब पीछे जाने का एग्जैक्टली मीनिंग होता है ट्रेस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इवेंट को ट्रेस किया जा रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब हो गया इवेंट को यहाँ पे ट्रेस किया जा रहा है, भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ, ठीक है। चलिए रोड एक्सीडेंट हो गया या कोई सा भी एक्सीडेंट, पॉइंट नंबर 3 से ये हमारा मैच हो जाएगा। इसके बाद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखिएगा ये जो होता है ये कौन सा रिसर्च होता है यहाँ पे? रियलिटी, जब हम रियलिटी का पता लगाना चाहते हैं ना, ये रियल सिचुएशंस को जब हम पता लगाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है रिसर्च का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2 से ये हमारा क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच बेस्ड रिसर्च। देखिए ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पे थ्योरीज को जनरलाइज करने की कोशिश की जाती है। तब तक रिसर्च किया जाता है जब तक कि थ्योरी निकल के नहीं आ जाती, जब तक कि जनरलाइज्ड रूल हमें नहीं मिल जाते तब तक हम क्या करते हैं? रिसर्च करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 और इसे आप आंसर करना है हमें। कम्युनिकेशन वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन ए मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस आर। कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स है आपको पता है ना काफी सारे मॉडल्स है, बर्लो का लीनियर मॉडल है, ट्रांजैक्शनल है और मैंने काफी सारे मॉडल्स आपको प्लस पे भी करवाए हैं। प्लस पे देखिए आपको मेरा पूरा कंटेंट अवेलेबल है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पूरा कंटेंट अवेलेबल है। वहाँ पे मैंने आपको ये सारे मॉडल्स वगैरह जो है करवाए हैं, अच्छे से डिटेल में करवाए हैं विद ग्राफ्स, ठीक है, विद जो है इमेजेस। तो आप प्लस बैचेस अगर आप ऑलरेडी प्लस पे तो जाके देख सकते हैं, अदरवाइज मेरे प्लस बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। पूजा 10 कोड लगा के 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके 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 चलिए अरे भाई सुबह 8 बजे तक कौन सोता है भाई, जल्दी उठा करें। देखिए जल्दी उठने की आदत डालो, सबसे पहली बात है जल्दी उठा करो। और मतलब इतना भी नहीं कि मैं नहीं बोली 4 बजे उठो, एटलीस्ट 6-7 AM पे उठ जाया करो, ये सबसे सही टाइम होता है उठने का। 4 बजे उठने का कोई लॉजिक नहीं है, क्या करना है 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे, 6 बजे तो एटलीस्ट उठ ही जाना चाहिए सभी, उससे हेल्थ भी अच्छी रहती है। फ्रेश एयर लेनी चाहिए, वैसे कहाँ एयर मिल रही है पता है ना, ऑक्सीजन तो वैसे ही अभी हमें कितना महंगा मिल रहा है, तो जितना मिल रहा है उतना तो ले लो फ्रेश सुबह जल्दी उठ के। ये आंसर आ रहा है मेरे पास 1, 2 and 4। 1, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर गाइस।
एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड चैनलाइजेशन। मैंने आपको बताया था जितने भी मॉडल्स बताए हैं ना उनके अंदर एनकोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, चैनलाइजेशन होता है, मतलब चैनल होता है, मैसेज होता है या फीडबैक होती है या नॉइस होता है। ठीक है, मेजरली अगर हम बात करें अगर कम्युनिकेशन के मॉडल्स के बारे में, तो आपको एनकोडिंग, मतलब एनकोडिंग का मतलब हो गया या तो आपको सेंडर मिलेगा, सेंडर होता है, ठीक है, और आपके क्या होता है, मैसेज होता है, मैसेज हो सकता है, आपके चैनल होता है, ठीक है, चैनल होता है, नॉइस हो सकती है, नॉइस होने के बाद रिसीवर हो सकता है, रिसीवर को क्या बोला जाएगा, डिकोडर, और आपके क्या हो सकता है, और आपके हो सकता है फीडबैक। मतलब ये जनरली जो है ना आप लोगों को मॉडल में मिलता है, जबकि पैसिव रेसिस्टेंस और इंडिफरेंस जैसी कोई चीज हमें जो है हमारे मॉडल्स के अंदर नहीं मिलती है। तो पॉइंट नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, पॉइंट नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आज की जो फ्री क्लास है ना अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैं आपको डिजिटल इनिशिएटिव के एमसीक्यूज जो है वो करवाऊंगी, एमसीक्यूज करेंगे डिजिटल इनिशिएटिव के, डोंट मिस द क्लास गाइस, ध्यान रखना। और कोई भी फ्री क्लास अनलॉक करनी हो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, कोड लगा देना पूजा टेन और ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने असर्शन और रीजन का, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। रिया ध्यान रखिएगा जो स्पेशल क्लास है आज की, जो स्पेशल क्लास है वो आपकी होगी 5 PM पे, शाम 5 बजे आपकी स्पेशल क्लास है पेपर वन की। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है, आपको बताना विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ओके एंड गाइज प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दे वीडियो को, एक बार लाइक एंड शेयर जरूर किया करे, सपोर्ट के लिए लाइक और शेयर जरूर किया करो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड शफीका, रोहित, अर्पना, रीमा, श्रीनु, गजाला, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पूजा वर्मा, सुशीला, वेरी गुड गाइज, ज्योति, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या है, असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन में क्या बोला गया है, क्लासरूम कम्युनिकेशन बिहेवियर्स इम्प्लाय द मेकिंग द कंटेंट रेलिवेंट। ये क्या इम्प्लाय करते हैं कि भाई कंटेंट जो होना चाहिए ना वो रेलिवेंट होना चाहिए, यही क्लासरूम, एक क्लासरूम कम्युनिकेशन का इफेक्टिव बिहेवियर होता है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट रीजन में भी बोला गया है, इट इज नन ऑफ द फंक्शन ऑफ टीचर टू मेक द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन। ये टीचर का रोल या एक टीचर का फंक्शन नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करे स्टूडेंट के लिए, तो ये डेफिनेटली गलत है, ये टीचर का जो है शत प्रतिशत रोल होता है। सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो रीजन है हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज इंटरनल क्यूज ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर इन द क्लासरूम हेल्प डायग्नोस, किस चीज में हमें हेल्प करते हैं नॉन वर्बल जो इंटरनल क्यूज होते हैं ना नॉन वर्बल बिहेवियर के। सबसे पहले तो ये बताओ नॉन वर्बल बिहेवियर कौन सा होता है, उसमें इंटरनल क्यूज हमें किस तरीके से मिलते हैं कि हम जो है पता लगा लेते हैं कि कैसा जो है क्लासरूम का सिनेरियो चल रहा है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओके गाइस, सो आंसर द क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर करेंगे एवरीवन। और देखिए मेरी प्रोफाइल का लिंक जो है ना, अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक जो है आपको पिन कर दिया गया है लाइव चैट के अंदर, लाइव चैट में पिन है,
वहां से मेरी प्रोफाइल को आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो फ्री क्लासेस है ना जो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे होती है उनका नोटिफिकेशन फिर आपको आने लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं लाइव आऊंगी या मेरी क्लास शेड्यूल होगी उसके हाफ एन आवर पहले या 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाता है, ताकि आप ऑन टाइम क्लास को ज्वाइन कर सके। डी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, जिन्होंने भी डी आंसर किया है भाई होनार विद्यार्थी, शीनू, विशाल, चंद्रिमा, पूजा, अश्विनी, ज्योति, रामनिवास जी, प्रियांक, रोहित, शफीका, रिंकिता, वेरी गुड गाइस, गजाला वेरी गुड, डी, संजुला बी नहीं होगा, बी क्यों आंसर कर रहा आपने, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी गाइस, इंटरपर्सनल डायनेमिक्स, इंटरपर्सनल डायनेमिक्स इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या होता है, अगर आप जो है ना मतलब एक दूसरे के बारे में हमें पता लग जाता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ और अगर आपका नॉन वर्बल बिहेवियर जो आ रहा है उससे मैं क्या कर सकती हूँ, आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि हम दोनों के बीच में क्या चीज़ जो है अफेक्ट, मतलब कैसा जो है क्या आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये मुझे जो है आइडेंटिफाई हो पाता है। तो इंटरपर्सनल डायनेमिक्स हम दोनों के जो बीच के कन्वर्सेशन है उसके बारे में पता लग जाता है बाय द नॉन वर्बल बिहेवियर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड अंजू जी, भाई सुबह सुबह रोना धोना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए ये स्पेशल मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया था, आई होप सो ये मॉक टेस्ट आपको पसंद आए, इसके लिए सपोर्ट के लिए लाइक एंड शेयर किया करो। इससे क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए आपका कई बार बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वो यही रीजन होता है कि हम जब लाइक कम करते हैं ना तो वही चीज है, वो उठता नहीं है वीडियो और आप तक पहुंचता नहीं है, वो ये रीजन होता है। ओहो भाई माय डियर स्टूडेंट अंजू जी को कैसे भूल सकते हैं हम। ओके ओके चलिए, अच्छा ओनर स्टूडेंट, चलिए चलिए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करेंगे एवरीवन। और डिजिटल इनिशिएटिव्स की क्लास के लिए मैंने आपको कहा था, होपफुली वो जल्दी शेड्यूल हो जाए, जैसे स्लॉट अगर अवेलेबल होता है तो मैं आपके लिए ज़रूर वो सेशन लूँगी, अदरवाइज फिर वो या तो मैं आपके लिए ट्यूसडे को लेके आऊँगी जब हमारी रेगुलर क्लास होगी तब, और बट आई विल मेक श्योर। बाकी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे तो आज MCQs ही करवाने वाली हूँ डिजिटल इनिशिएटिव के, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगी, सेशन ज़रूर ज्वाइन कर लेना बस, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपके सामने इफ ए स्टैंड फॉर 5, बी स्टैंड फॉर 6, सी स्टैंड फॉर 7, डी स्टैंड फॉर 8 एंड सो ऑन, देन द फॉलोइंग नंबर स्टैंड फॉर 17, 19, 20, 9 और 8, ये किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं ये आपने बताना है। जो ये नंबर सही किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। अरे भाई चेरी जी बहुत सारे आंसर, देखिए हो सकता है कुछ एक स्टूडेंट के नाम जो है मिस हो जाए, क्योंकि काफी सारे आंसर आते हैं ना तो वो निकल जाते हैं, इससे जिनका दिखता है मैं उनका नाम ले लेती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, +4 हो रहा है, वेरी गुड ज्योति जी। देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मतलब ए कौन से नंबर पे आता है, नेचुरली ये 1 पे आता है, बट इसके अंदर +4 करके इसको 5 कर दिया, ठीक है, +4 करके क्या कर दिया, +5 कर दिया। अब हमारे लिए क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ए का मतलब 5 है, ए का मतलब क्या है आपका 5 है, तो 17, 19, 20, 9 और 8 का मतलब क्या होगा, बस ये क्वेश्चन है आपका। ओके बी आंसर आ रहा है, अरे भाई सोना मैंने क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, पीछे से हो जाएगा। अरे भाई ओके बी आंसर आ रहा है मेरे पास, बी 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 बी,
वेरी गुड गाइस, यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। देखिए हमें पूछा है 17, 19, 20, 9 and 8, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे ना, माइनस फोर कर दो सब में से। अगर हम लोग माइनस फोर करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा, दिस बिकम्स द 15, दिस इज 16, दिस इज 5 एंड दिस इज 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एम ओ पी, 5 पे क्या आता है हमारा, 5 पे आता है हमारा ई और 4 पे आता है डी। द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब इन वर्ड्स के लिए, इन वर्ड्स के लिए आपके जो है ये नंबर्स स्टैंड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। वेरी गुड सीमा वर्मा, बिल्कुल सही है। अरे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है कविता, ऑप्शन नंबर ई तो है ही नहीं। स्वाति वेरी गुड, राजेश जी वेरी गुड, सुशीला गुड, कमल शर्मा वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज, अरे डी नहीं होगा, ना ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन द कंक्लूजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस नेसेसरली द आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड, उस आर्ग्यूमेंट को क्या कहा जाएगा। When the conclusion of an argument follows from its premises, necessarily the argument is called. क्या कहा जाएगा उस argument को? Very good रामनिवास जी, बिल्कुल यही cleverness आपको दिखानी है exam में भी और हर जगह। ओके, ए आंसर आ रहा है, सी आ रहा है मेरे सामने, ए आ रहा है, बी भी आ गया, ए बी सी तीन आंसर। चलिए देखते हैं किसने आंसर सही किया है। युवराज सोनी वेरी गुड, युवराज रिया एंड सावी सोनी वेरी गुड, क्या बात है। ओके एंड चेरी वेरी गुड, चेरी मयंक अंजू जी विशाल रीमा एवरीवन वेरी गुड, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर किया है, जूही प्रियांक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डिडक्टिव। देखिए आपको मैं बता दूं यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि कंक्लूजन जो है ना नेसेसरली जो है निकल के आ रहा है आपके आर्ग्यूमेंट या फिर प्रिमाइस से, तो उसे जो है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इसे कहा जाता है। चलिए चलिए, तो यहाँ पे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है गाइस करेक्ट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको ये बोला जाता कि सपोज टू फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइस, ठीक है, अगर यहाँ पे नेसेसरली की जगह अगर सपोज वर्ड आ जाता, सपोज वर्ड आ जाता, तो कौन सा जो है आर्ग्यूमेंट यहाँ पे अप्लाई होता। अगर यहाँ पे आपके सपोज वर्ड आ जाता तो कौन सा वर्ड जो है, मतलब कौन सा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो है वो अप्लाई होता, ये आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 को मैंने कुछ और तरीके से पूछा है, उसे आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड अश्विनी, बिल्कुल अश्विनी ने करेक्ट आंसर किया। अंजू वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उस केस में आपका जो है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट अप्लाई होता। देखिए जब भी बोला जाना जाए कि सपोज किया जा रहा है कि प्रिमाइस से निकल के आ रहा है, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है, कोई क्लेम नहीं किया जा रहा, कंक्लूसिवली निकल के नहीं आ रहा, मतलब अगर सपोज किया जा रहा है या फिर सिर्फ क्लेम किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा दो वर्ड को ध्यान रखना, या तो सपोज हो रहा है या क्लेम हो रहा है, तो इन दोनों सिचुएशन में जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है या आपकी जो रीजनिंग होती है वो आपकी इंडक्टिव नेचर की होती है। कैसी होती है, इंडक्टिव नेचर की होती है, कैसी होती है हमारी, इंडक्टिव नेचर की होती है, कैसी होती है गाइस, इंडक्टिव नेचर की ये हमारी होती है, ठीक है।
डिड्यूस होता है आपके डिडक्टिव रीजनिंग में या नेसेसरली जो है या क्लेम्ड क्लेम्ड जहाँ पे होता है वो आपकी जो है कंक्लूसिवली जहाँ पे फॉलो होती है वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, जबकि क्लेम किया जाता है या सपोज किया जाता है वहाँ पे आपकी इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो अप्लाई होती है। क्लियर है गाइज? एक बार हम सब करेंगे भाई, क्लियर है क्या? वेरी गुड जूही, बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल सही है। चलिए गाइज, सो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। आई होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। इसके अलावा मेरी फ्री लाइव क्लास है जहाँ पे आज मैं आपके साथ डिजिटल इनिशिएटिव के 20 बेस्ट एमसीक्यूज 20 बेस्ट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ। और ये क्लास कहाँ पे होगी? ये क्लास आपके अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे होगी, जो कि बिल्कुल फ्री क्लास है। इस क्लास का लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और नोटिफाई मी करने के लिए, ध्यान रखिएगा, क्लास को नोटिफाई मी करने के लिए अगर आप न्यू लर्नर हैं तो PUJ10 ये कोड जो है आप लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी फ्री क्लास अनलॉक करनी हो या अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ये कोड आप लगा सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइज, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप फ्री जो क्लासेस होती है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे उसका जो नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो जो मेरी प्रोफाइल का लिंक है वो आपके लिए पिन कर दिया गया है लाइव चैट के अंदर, लाइव सेक्शन में आप लोगों के लिए जो क्लास है वो पिन है, मेरा लिंक पिन है, प्रोफाइल लिंक, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप सो यू लाइक द क्लास गाइज, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास, थैंक यू एवरी वन एंड हैव अ नाइस डे गाइज, एवरी वन, सभी को हैव अ नाइस डे, ओके गाइज, थैंक यू एवरी वन, थैंक यू। बिल्कुल रिकॉर्डेड देख लीजिएगा 2x पे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।